हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे प्रोग्राम विजुअल बेसिक में बनाया जाता है। उसके पहले हम आप लोगों को बता दें कि बहुत खुशी की बात है कि बहुत कम समय में, कम टाइम में 100+ सब्सक्राइब यानी कि सब्सक्राइबर्स ये हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग प्यार देते रहिए कि हम आप लोगों को एक से एक अच्छा से अच्छा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सिखाएं और प्रोग्राम को डेवलप करें। आज हमारा वीडियो होगा कि कैसे प्रोग्राम बनाया जाता है, कैसे सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया जाता है, प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो इसमें आप लोगों को हबड़ाना नहीं है, जीरो लेवल से शुरू करेंगे, एकदम बिगनिंग पॉइंट से, कि आप लोगों को जैसे ABCD अल्फाबेट से शुरू किया जाता है और एक से एक हम लोग शुरू करने के बाद कि पोइम को लिखते हैं, किताब लिखते हैं, उसी तरीका से ABCD जैसे सिखाया जाता है, उसी तरीका से आज हमारा दो नंबर के सम का प्रोग्राम होगा, बोर्ड पर समझाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में उसका हम लाइव करेंगे, सब कंप्यूटर पे हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो आप लोग को पूरा वीडियो देखना है कैसे प्रोग्राम बनता है। हम शुरू लेवल से, जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और पूरा आप लोगों को बताएंगे कैसे बनता है प्रोग्राम। तो अब हम शुरू करेंगे दो नंबर के सम का, यानी कि आपका प्रोग्राम है, क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम इन VB इनपुट टू नंबर्स टू डिस्प्ले सम ऑफ दीज नंबर्स यानी दो नंबर को इनपुट करना है और उसको जोड़ना है, इसका प्रोग्राम बनाना है विजुअल बेसिक में। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, हम छोटे स्तर से शुरू कर रहे हैं, इसलिए कि बहुत से स्टूडेंट्स वैसे हैं जिनको अभी स्टार्ट करना है कैसे प्रोग्राम बनता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको आता होगा तो उससे घबराना नहीं है, पूरा इसका ड्राई रन करके बताएंगे कि क्या इसका स्टेप होता है। और इसी तरह से हम लोग एक से एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक से एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो जिनको अगर कुछ आता भी है उनका कंफ्यूजन एकदम क्लियर कर देंगे, दूर कर देंगे कि कैसे प्रोग्राम बनाया जाता है। और जो बिगिनिंग है, जिनको कुछ नहीं आ रहा है, प्लीज जो पूरे वीडियो को देखिए आप लोग, एकदम आपका क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका विजुअल बेसिक में जो भी सॉफ्टवेयर बनता है, प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसका डिजाइन मोड में जाते हैं। डिजाइन मोड में एक फॉर्म लेंगे और इस फॉर्म पे हमको दो नंबर सम कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन है कि दो नंबर को इनपुट करना है, तो दो मैसेज शो कराएंगे। एक मैसेज होगा इनपुट फर्स्ट नंबर और इसके लिए एक टेक्स्ट लेंगे। उसके बाद दूसरा हम मैसेज शो कराएंगे इनपुट सेकेंड नंबर और इसके लिए इनपुट कराने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। तो ये दो मैसेज शो कराए हैं। मैसेज को शो हम लोग लेबल में करा सकते हैं, टेक्स्ट में भी करा सकते हैं, लेकिन अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं मैसेज शो कराने के लिए आप लोग लेबल लीजिए। ये है लेबल वन, उसके बाद ये है लेबल टू। उसके बाद इनपुट कराने के लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, टेक्स्ट वन, और ये है आपका टेक्स्ट टू। उसके बाद अब इसको हमको सम करके दिखाना है, तो एक मैसेज रहे सामने कि सम इक्वल टू, पता चलेगा कि क्या किया हुआ है, सम किया हुआ है, और इसको जहां देखना है उसको यहां पर रहे। तो सम इक्वल टू सामने रहे लिखा हुआ, ये है लेवल थ्री। उसके बाद जहां पर दिखाना है जोड़ करके, ये है लेवल फोर।
तो यह हुआ डिजाइन की हम दो बॉक्स लेंगे इनपुट करने के लिए, उसके बाद यहाँ पर लेवल फोर में हम उसको सम करके दिखाएंगे। लेवल फोर में हम दिखा रहे हैं, उसके बगल में आउटपुट जब आएगा तो लिखा हुआ है कि सम इक्वल टू, यानी कि सम इक्वल है इसमें दिखाएगा लेवल फोर में, और हम उसको क्लिक करेंगे ओके पर। ओके एक बटन है, एक कमांड है, विजुअल बेसिक में इसको कमांड लिखा जाता है और डॉट नेट में बटन लिखा जाता है। तो ये आपका कमांड वन है, कमांड वन है। उसके बाद अगर आपको दूसरा नंबर इनपुट करना है इसको क्लियर कर करके, तो उसके लिए एक आप बटन ले लीजिए क्लियर, और अपने सॉफ्टवेयर से आपको बाहर जाना है तो उसके लिए ले लीजिए एग्जिट। क्लियर आपका है कमांड टू, कमांड टू। उसके बाद ये है कमांड थ्री, कमांड थ्री। अब उसके बाद हम लोग ने डिजाइन कर दिए, जो आपका सॉफ्टवेयर होता है कि आपको एकदम लुक होना चाहिए वैसा, कि हम इनपुट करें उसके बाद क्लिक करें तो हमारा जोड़ करके बता दें। अब हम लोग क्या करेंगे कि ओके बटन जो कमांड वन है इसको डबल क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ आएगा प्राइवेट, प्राइवेट सब कमांड वन, कमांड वन अंडरस्कोर क्लिक। ए बाय डिफॉल्ट जब इसको डबल क्लिक कीजिए तो लिखा हुआ आएगा, इसके नीचे इंड सब आएगा। तो हमको कितने वेरिएबल की आवश्यकता होती है, हमको दो नंबर को जोड़ना है तो एक ए वेरिएबल लेंगे, एक बी, और दूसरा दोनों को जोड़ करके एक सी लेंगे जोड़ने के लिए, सी एज इंटीजर। जैसा कि कल मैंने बताया था कि डीम लेते हैं डिक्लेयर मेमोरी वेरिएबल को, डिक्लेयर किया जाता है वेरिएबल को तो डीम लेता है, वो कौन डेटा टाइप है वो इंटीजर है। उसके बाद हमको अब इनपुट कराना है, जो हम टेक्स्ट वन में इनपुट करेंगे वो ए में जाएगा और टेक्स्ट टू में जो इनपुट करेंगे वो बी में जाएगा। तो उसके लिए लिखने का तरीका है ए इक्वल वैल, वैल इसे लिखते हैं कि इनपुट करने के लिए वैल्यू इनपुट किया जाता है तो वैल क्या है वैल, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, उस पर बी इक्वल टू वैल टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट। अब हम जो टेक्स्ट वन में लेंगे वो ए में चला जाएगा, टेक्स्ट टू में लेंगे वो बी में चला जाएगा, इनपुट हो जाएगा। उसके बाद ए और बी में जब इनपुट हो जाएगा तो दोनों को हम जोड़ देंगे, ए और बी को जोड़ देंगे, ए प्लस बी, तो सी में चला गया। अब सी को हमको देखना है लेवल फोर में, तो यहां पर लिखेंगे लेवल फोर डॉट कैप्शन, कैप्शन इक्वल टू सी, उसके बाद इंड सब, इंड सब। आपका प्रोग्राम बन गया, आपका प्रोग्राम बहुत सिंपल तरीका है। दो नंबर को इनपुट करना है तो टेक्स्ट में हम इनपुट कराते हैं, टेक्स्ट का प्रॉपर्टी टेक्स्ट ही होता है, तो इसको लिखने का तरीका है ए वेरिएबल ये है तो ए इक्वल टू वैल टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, जो इसमें इनपुट करेंगे टेक्स्ट वन में वो ए में चला जाएगा, बी में जो टेक्स्ट टू में इनपुट करेंगे वो बी में चला जाएगा, और ए और बी को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद इक्वल के लेफ्ट साइड में जो रहता है वो स्ट्रोक कर लेता है, दोनों को जोड़ करके सी में आ जाएगा। और लेबल फोर डॉट कैप्शन, लेबल का प्रॉपर्टी कैप्शन होता है इसलिए डॉट के साथ कैप्शन लिखना पड़ता है, इक्वल सी, सी को लेबल फोर में दिखा देगा, यहाँ पर लेबल फोर वहां दिखा देगा, उसके बाद इन सब कर देंगे। अब हम इसको कि कैसे इसका हम एक ड्राई रन, बहुत जगहों पर आप लोगों को नहीं मिलेगा कि कैसे ये रन करता है, इसको बोलते हैं ड्राई रन। विदाउट कंप्यूटर अगर आपको रन कराना हो, बिना बहुत स्टूडेंट्स वैसे हैं जो इकोनॉमिकली थोड़ा सा पुअर है तो उनके पास सिस्टम नहीं है, तो कैसे आप प्रोग्राम बनाए हैं उसको चेक करेंगे कि मेरा प्रोग्राम सही है कि गलत है। दो नंबर को जोड़ करके बताएगा कि आपका प्रोग्राम, उसको बोलता है ड्राई रन। तो हम ड्राई रन करते हैं, उसको बोलता है ड्राई रन। ड्राई रन में देखिए जो कोडिंग किया जाता है, यहाँ पर कितने वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है, एक है ए, ए ले लेंगे, दूसरा है बी, बी ले लिए, और तीसरा है सी। तीन वेरिएबल लिया गया है कोडिंग में, हम तीन वेरिएबल लेंगे और इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे, इसलिए कि जो कह रहा है कोडिंग वो सही है कि गलत है इसको बताने के लिए जो कह रहा है वही हम लेंगे। तो ए है, कह रहा है कि ए इक्वल वैल टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, जो टेक्स्ट वन में इनपुट कीजिएगा वो कहाँ चला जाएगा, ए में। तो हम इनपुट कर रहे हैं जो वैल्यू इनपुट करेंगे, अगर 15 इनपुट करेंगे तो ए में आ जाएगा 15, यानी कि 15। बी में इनपुट, यानी कि टेक्स्ट टू में जो इनपुट कर रहे हैं वो किस में आ जाएगा, बी में। आप टेक्स्ट टू में इनपुट कर रहे हैं 20 तो बी में आ जाएगा 20। उसके बाद कह रहा है कि ए प्लस बी, सी इक्वल ए प्लस बी, दोनों को जोड़ किस में कर दो, सी में, यानी कि सी में कर देगा 15 और 20 हो जाएगा 35।
15 प्लस 20 35 हो गया। अब उसके बाद लेवल 4 में, यानी कि लेवल 4 आपका कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर कह रहा है कि सी को, यानी कि लेवल 4 ऑटो कैप्शन में सी को कर दीजिए। अब आपका सी में कर देगा, यानी कि डिस्प्ले, यानी कि लेवल 4 से क्या कर रहा है कि डिस्प्ले कर दीजिए। अब क्या कर दीजिए, डिस्प्ले, डिस्प्ले कह रहा है कर दीजिए किसको, सी को, तो सी को कर देगा, यानी कि सी में है 35, आपको 35 लेवल 4 में दिखा देगा। तो आपका देखिए आउटपुट, आपका आउटपुट आ गया, आपका आउटपुट आ गया 15 और 20 लिए तो दोनों को जोड़ आपका 35 होगा, और 35 को दिखा दिया लेवल 4 में। इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं कि उसको चेक करते हैं। अब यहाँ पर आप क्लियर लिखे हुए हैं और रिजिट लिखे हुए हैं कमांड 2 में, यानी कि आप वैल्यू जो इनपुट किया, यहाँ पर आप इनपुट किए थे 15 और यहाँ पर इनपुट किए थे 20 और दोनों को सम करके वो दिखा दिया 35। इसके बाद हमको नेक्स्ट वैल्यू की जरूरत है इनपुट करने का, तो हम क्लियर पर क्लिक करें तो हमारा ये 35-15 क्लियर कर दे। उसके बाद दूसरा वैल्यू हमसे मांगे तो उसके लिए खुद हम अपना सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो उसके लिए ये बटन बनाए हैं, ये बटन लिए हैं। अभी आप इसको क्लियर पर क्लिक कीजिएगा तो काम नहीं करेगा, इसलिए कि इसका कोडिंग आप नहीं किए हैं। तो इसका कोडिंग करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका कोडिंग करने के लिए हम लोग इसको डबल क्लिक करेंगे, तो इसको डबल क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ आएगा प्राइवेट सब, प्राइवेट सब कमांड 2, कमांड 2 अंडरस्कोर क्लिक, ये कमांड 2 है, ये आपका कमांड 2 है, ये कमांड 3 है, तो ये लिखा हुआ आएगा। अब हमको क्लियर किसको किसको करना है, टेक्स्ट 1 को, यानी कि टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट का प्रॉपर टेक्स्टिंग होता है इक्वल टू, क्लियर का कोडिंग यही होता है। उसके बाद टेक्स्ट 2 को क्लियर करना है तो टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, इसको डबल कोट कर देंगे। अब उसके बाद किसको करना है, लेवल 4 को, तो लेवल 4 डॉट कैप्शन, लेवल का प्रॉपर्टी कैप्शन होता है, इक्वल टू डबल कोट दे देंगे, आपका एक क्लियर हो जाएगा। और प्राइवेट सबको इन सबसे बंद करते हैं, वो खुद लिखा हुआ आएगा। तो यानी कि आपका अब आप रन कराइएगा, रन कराने के लिए आप कंप्यूटर पर F5 से प्रेस करते हैं या वहीं पर मेनू में लिखा हुआ रहता है रन का, इस तरीके से आइकन बना हुआ रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो रन कर जाएगा। कल हम वीडियो में बताएंगे कि कैसे कोडिंग किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, लैपटॉप पर बताया जाएगा कंप्यूटर पे कि कैसे इसको लाइव किया जाता है, लाइव कर करके हम आप लोगों को इसको बताएंगे कि कैसे रन करता है और कैसे कोडिंग किया जाता है। इसके नेक्स्ट क्लास में वो आपका लाइव होगा। अब उसके बाद एग्जिट, अब अभी आप इसको क्लिक कीजिएगा तो इससे आप बाहर नहीं जाइएगा, उसके अपना जो बनाएगा यहाँ पर क्रॉस वहां से जाना पड़ेगा, लेकिन आप अपना सोच रहे हैं कि नहीं हम एग्जिट करें तो एग्जिट से हम बाहर जाए, तब इसको डबल क्लिक कीजिएगा तो लिखा हुआ आएगा प्राइवेट सब कमांड 3 अंडरस्कोर क्लिक। उसके बाद अब एग्जिट का कोडिंग होता है, केवल इंड होता है, इंड लिख दीजिएगा वो एग्जिट कर जाएगा। उसके बाद प्राइवेट सब को इंड सब से हम लोग बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। आपका अब ये भी काम करेगा, अब आप इसको रन कराइएगा तो आपसे जो नंबर मांगेगा उसको दीजिएगा, उसके बाद आप ओके पर क्लिक कीजिएगा तो उसका सम करके इसमें दिखा देगा, क्लियर पर कीजिएगा तो इसको क्लियर कर देगा, फिर नेक्स्ट आप वैल्यू दीजिएगा वो जोड़ेगा, फिर क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद एग्जिट कीजिएगा तो खुद अपने आप बटन से इसको बाहर जा सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल तरीका है दो नंबर के सम का। इसके बाद हम अगला वीडियो में बताएंगे कि कैसे इसको रन कराया जाता है, कैसे इसको लाइव किया जाता है। इसी के साथ हमारा ये आज का थ्योरी समाप्त होगा, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब करने के लिए देखते रहिए, क्योंकि हम बेसिक से लेकर चलेंगे और आप लोगों को कैसे सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। अभी तो ये सम का है, आप लोग देखिएगा एक नहीं 10-10 मेथड से आप लोगों को बताएंगे कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।